नमस्कार, आप जीएन भारत देख रहे हैं और जीएन भारत देखने वाले तमाम दर्शकों का स्वागत है। हेमंत सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार के बाद आज विभागों का बंटवारा हो गया है और बंटवारा होने के साथ साथ जो है आज हेमंत सरकार की पहली कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई, जहां पर कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर मोहर लगी है। हम आपको बता दें कि आज जो है हेमंत सरकार की पहली कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई। इस वक्त हम मौजूद हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं कि झारखंड मंत्रालय में, और झारखंड मंत्रालय में जो है आज जितने भी नए जो मंत्री हैं, मंत्रियों के साथ आज हेमंत सोरेन जो है बैठक किए और बैठक करने के बाद महत्वपूर्ण जो है फैसले लिए गए। वहीं राज्य के नए वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने मीडिया से बात करते हुए जो है कई बातों का जिक्र किया है और उन्होंने कहा है कि राजस्व की वृद्धि कैसे हो, और मैया सम्मान योजना को लेकर भी उन्होंने बात कही है, और उन्होंने ये भी कहा है कि वर्ष 2025 और 26 एक महत्वपूर्ण वर्ष होगा। तो राधा कृष्ण किशोर क्या कहते हुए नज़र आ रहे हैं, सुनाते आपको। देखिए, चुनौती है, मुख्यमंत्री जी की अपेक्षा है कि राज्य के उस क्षेत्र के लोगों के संपूर्ण विकास की बातें वो करें, वो कर भी रहे। एक प्रमाण है मैया सम्मान योजना, तो उसके लिए फंड की आवश्यकता भी आने वाले समय में और पड़ेगी। 2025-26 ये हम लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण वर्ष होगा। हमारी पूरी कोशिश होगी कि जो हमारा इंटरनल रिसोर्सेज, आय के आंतरिक स्रोत है, उसको हम और स्ट्रॉन्ग करें, और जो राजस्व है उसमें हम वृद्धि करें। कम से कम एक वित्तीय वर्ष में हमारी कोशिश है कि 10,000 करोड़ रुपए की वृद्धि 2025-26 में हम कर सकें, तो ये लक्ष्य को रख करके हम काम करेंगे। मैया सम्मान योजना में पर मंथ कितना वित्तीय बोझ पड़ रहा है सर? अभी जहाँ तक अनुमान है, मैंने बहुत विस्तार से ये रिपोर्ट लिया नहीं है, तो एक औपचारिक रूप से मैंने कार्यालय कक्ष में बैठक की है। मुझको लगता है कि 7-7.5 हज़ार करोड़ रुपया अभी खर्च हो रहा है। सोचा है कि कैसे रेवेन्यू जनरेट होगा, किया जाएगा? ये ब्लूप्रिंट भी मेरे पास और मेरे विभाग के पास है, थोड़ा उस पर हम लोगों को और गंभीरता से विचार करने दीजिए, तो मैं मीडिया को बताऊंगा कि हमारी योजना क्या है। ठीक है, जिससे कुछ बात है इसको लेकर? अरे, मुख्यमंत्री जी ने सभी विधायकों को कुछ सुझाव दिए हैं, लगभग 16-17 बिंदुओं पर उन्होंने सुझाव दिया है कि कैबिनेट के मेंबर होने के नाते क्या दायित्व बनता है गवर्नमेंट का। तो जो सुझाव उन्होंने दिया है उसमें यह भी है कि हम रेवेन्यू को कैसे डेवलप करें, उद्योग लगेगा झारखंड में। और देखिए, ये एक ऐसा प्रश्न है कि उद्योग लगाने से हमारा रेवेन्यू बढ़ जाएगा, ये परिकल्पना मैं समझता हूँ कि बहुत मायने नहीं रखता है। सबसे महत्वपूर्ण ये है कि हम जनता पर अतिरिक्त बोझ लादे बिना हम अपने रिसोर्स को डेवलप करके हम रेवेन्यू को कैसे आगे बढ़ाएं, ये हम लोगों के लिए एक विषय है। सर, केंद्र के समक्ष भी राज्य का बकाया है सर, लगभग 1,34,000 करोड़, उस दिशा में क्या प्रयास होगा सर? देखिए, वो हम लोग केंद्र सरकार से माननीय मुख्यमंत्री जी प्रयास करते रहे, बोलते रहे, केंद्र सरकार को देना भी चाहिए। केंद्र सरकार अगर इस कारण से, राजनीतिक कारण से अगर वो राशि हम लोगों को नहीं दे रही है, तो दुर्भाग्यजनक बात है, ये पॉलिटिकल एथिक्स के विरुद्ध है। एक स्टेट का गवर्नमेंट आपसे पैसा, अपना बकाया पैसा की मांग कर रहा है, और उसके बाद आप पैसा नहीं दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो राजनीतिक सुचिता होनी चाहिए किसी भी गवर्नमेंट में, वो सुचिता उनके पास नहीं। हम लोग प्रयास करेंगे कि आप हमारा हक दे दीजिए। तो आप सुन रहे थे राज्य के नए वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर को, जिन्होंने अपनी बातों को रखा है मीडिया के समक्ष, और जिस तरह से उन्होंने कहा है कि राजस्व वृद्धि कैसे हो, राज्य की प्रगति कैसे हो, और जो है मैया सम्मान योजना को लेकर भी जो है उन्होंने बातें कही हैं, कि यानी हम ये कह सकते हैं कि साफ तौर पर कि जो राज्य के नए वित्त मंत्री है फुल एक्शन मोड में है। तो इस तरह के तमाम खबरों से बने रहिए और देखते रहिए जीएन भारत। रांची से मैं मोहन कुमार।
अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।